नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट यथालोक में। मैं वीके शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी की इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का जो पार्ट हम लोगों का चल रहा है वह है भारत के संवैधानिक इतिहास का विकास। मीन्स कैसे हमारे देश का संविधान, कैसे हमारे देश की शासन व्यवस्थाएं, कैसे हमारे देश का जो गवर्नेंस था वो किस तरीके से बढ़ा धीरे धीरे। ठीक है, उस क्रम में हमने प्रारंभ में ही देखा था कि भारत के संविधान की जो रूपरेखा तैयार हुई थी उसको हमने दो हिस्सों में अध्ययन की दृष्टि से देखा था। एक तो हमने देखा था कि भारत के संविधान का जो विकास हुआ था एक कंपनी शासन के अंतर्गत, और कंपनी शासन से जब वह शासन प्रणाली चली गई थी हमारी क्राउन के अंतर्गत, तो दोनों का मिलाजुला जो सम्मिश्रण था उसी के द्वारा हमारे भारत के संविधान का जो विकास हुआ है क्रमिक विकास वहां पर हम लोग देख रहे थे। यदि क्रमिक विकास में हम चर्चा करते हैं तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो कंपनी के अंतर्गत शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का और 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद सन 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक कहानी होती है, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई प्रारंभ होती है मेरठ के बैरकपुर छावनी से, जो धीरे धीरे करते करते पूरे विश्व पूरे देश में फैल जाती है। लेकिन वह स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो थी वह असफल हो गई। बहुत सारे कारण थे उसके पीछे असफलता के, यहां पर हमें उस पर नहीं चलना है। उस जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का क्या कारण था, इस कारण को जब अंग्रेजों ने समझा तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में सन 1858 का एक चार्टर एक्ट पारित किया ब्रिटिश संसद में। और ब्रिटिश संसद में जब चार्टर एक्ट पारित किया 1858 का, तो 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही उन्होंने क्या कर दिया, भारत में जो अभी तक कंपनी का शासन हुआ करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर किसको दे दी गई थी, क्राउन को दे दी गई। उसके बाद फिर वहां से ब्रिटिश क्राउन जो है वो शासन करने लगा। एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव के जो पद का सृजन किया गया, उस पद के सृजन के कारण भारत में जो भारत का संवैधानिक विकास था उसे और गति मिली। आपने देखा 1858 का चार्टर एक्ट, 1893 का, फिर उसके बाद हमने देखा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले, जॉन मार्ले उस समय भारत के पहले जो है सचिव थे, उसके बाद मिंटो जो है उस समय वाइसराय थे भारत के, तो उनके जो संयुक्त प्रयासों से जो संयुक्त व्यवस्थाएं हुई, संयुक्त सुधार हुए, उसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। और यह कैसे संभव हुआ, 1909 के भारत शासन अधिनियम। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने जो है कहां तक पढ़ा था, 1909 के भारत शासन अधिनियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का ये जो भारत शासन अधिनियम था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 का भारत शासन अधिनियम जाना गया। कई बार सीधा सा प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि किस शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, या किस शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1909 का जो शासन अधिनियम था वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और 1919 का जो
भारत शासन अधिनियम था दोस्तों, वह मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि 1919 का ये जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार था, इसके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं भारत के संविधान में की गई, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से ऐसे सुधार थे जो इस अधिनियम के द्वारा लाए गए। इस अधिनियम का जो सुझाव था वो सन 1917 में ही आया था। 1917 में, चूंकि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था वह भारतीयों की जो आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल था। भारतीय एक उत्तरदायी शासन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते थे, एक स्थायी सरकार चाहते थे, लेकिन उत्तरदायी सरकार, पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में यह भारत शासन अधिनियम 1909 पूरी तरीके से असफल रहा। 1909 के अधिनियम के दोषों में जो उसमें 1909 का जो अधिनियम था उसमें जो व्याप्त दोष थे, उस दोष को दूर करने के लिए सन 1917 में एक समिति बनी। उस समिति ने इस बात की सिफारिश की कि भारत के लिए एक अलग से एक नया कानून बनना चाहिए, तो बना 1919 का भारत शासन अधिनियम। बात इसकी 1917 में ही हो गई थी, पर इसे लागू किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया उसका भी प्रयास यही था कि भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास करने किया गया यहां पर। आइए देखते हैं इस अधिनियम के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे प्रारंभिक परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट जो इसमें था वो ये था कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, व्यवस्था लागू की गई। केंद्र में कैसी व्यवस्था लागू की गई? द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। जैसे आज के समय में हम देखते हैं भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरीके से यहां पर भी उन्होंने क्या किया, एक द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू कर दिया। द्विसदनात्मक व्यवस्था में दो चीजें हुई, एक तो हुआ उनका क्या, उच्च सदन, पहला हुआ उच्च सदन, और दूसरा हुआ केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था यहां पर लागू की गई। तो पहली जो व्यवस्था इन्होंने की, पहला जो सुधार इन्होंने किया इस अधिनियम के द्वारा, वह यह किया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वह लागू कर दी गई। एक तो कहलाया उच्च सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा कहलाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, तो यदि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किस अधिनियम के द्वारा, किस शासन अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी, या कौन सा ऐसा शासन अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना पहली बार की गई थी, तो हमें याद रखना है कि सन 1919 का ये जो अधिनियम था इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। ठीक, उसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है वह आता है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। यहां पर आप ये देखिए, पहले आपने पढ़ा भी, तुरंत इसके पहले भी हमने की कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो आप कहीं ये मत समझिएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था और द्वैध शासन एक ही चीज होती, नो, वो था डिफरेंट,
मीन्स द्विशदनात्मक व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों अलग अलग चीजें होती है बेटा। द्विशदनात्मक का अर्थ होता है कि दो सदन के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी, परंतु द्वैध शासन का अर्थ होता है कि शासन को मीन्स गवर्नेंस की जो तरीका होता है वो गवर्नेंस के तरीके को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, शासन करने के तरीके को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो जो शासन करने का तरीका था उसे दो हिस्सों में बांटा गया था। कैसे, किन दो हिस्सों में बांटा गया था? वो पहला तो इन्होंने कर दिया, पहला इन्होंने किया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, और दूसरा किया इन्होंने आरक्षित विषय, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। ये दो विषय मीन्स ये था हमारा इनका जो है गवर्नेंस का तरीका, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित और आरक्षित कर दिया इन्होंने। तो आरक्षित जो था, जो आरक्षित विषय था, ये क्या था, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते थे, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण जो विषय होते थे वह किसमें इन्होंने रख दिए, आरक्षित विषय में रख दिए। यदि आप एक शब्द में समझना चाहते हैं, एक शब्द में, एक लाइन में, तो आप ये समझ लीजिए वित्त और न्याय से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी, वित्त और न्याय मीन्स जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो रेवेन्यू का जितना मैटर था दोस्तों, उन्होंने उसे क्या किया, आरक्षित विषय में रख लिया। मीन्स आरक्षित विषय के ऊपर कौन शासन करेगा, आरक्षित विषय के ऊपर उन्होंने कह दिया कि वाइस राय, वाइस राय और उनकी जो कार्यकारिणी होती थी, कार्यकारिणी, वाइस राय और इनकी जो कार्यकारिणी होती थी वह फैसला लेती थी किस पर, उसके संबंध में काम कौन करता था। आरक्षित विषय में जो होते थे, आरक्षित विषय में जो विषय रखे जाते थे, जैसे मान लीजिए पुलिस हो जाती थी, राजस्व हो जाता था, वित्त हो जाता था, न्याय व्यवस्था हो जाती थी, ये सो पुलिस हो जाती थी, तो ये जो विषय होते थे वो किस में रखे, इन्होंने आरक्षित में रखे। आरक्षित विषय पर कौन नियम बनाता था, आरक्षित विषय पर कौन प्रशासन करता था, तो वायसराय और उनकी कार्यकारिणी मींस गवर्नर जनरल जो होते थे, जो वायसराय होते थे, वायसराय और उनकी कार्यकारिणी क्या करती थी, आरक्षित विषय पर नियम और कानून बनाती थी। और ये आरक्षित विषय पर शासन भी करते थे और इनका कोई उत्तरदायित्व भी नहीं होता था, मींस ये किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी नहीं होती थी, इनकी कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं बनती थी। द्वैध शासन लागू किया, द्वैध शासन को इन्होंने दो हिस्से में बांटा, कैसे, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषय में महत्वपूर्ण विषयों को रखा, जैसे वित्त, राजस्व, प्रशासन और न्याय व्यवस्था, और उस पर कौन फैसला लेता था, उस पर फैसला करते थे, उसका प्रशासन करते थे वायसराय और उनकी कार्यकारिणी, और ये वायसराय और जो इनकी कार्यकारिणी रहती थी, ये किसी भी प्रकार से जो द्विशदनात्मक व्यवस्था थी उसके प्रति ये क्या, अकाउंटेबल भी नहीं होते थे, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते थे। ठीक, अब दूसरा जो था इनका वो था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में लोकल विषयों को रखा जाता था, स्थानीय विषयों को रखा जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये जो इस तरह के मुद्दे होते थे, इस तरह के जो विषय होते थे दोस्तों, वो रखे इन्होंने किसमर, वो रखे इन्होंने हस्तांतरित विषय पर। ठीक है, और हस्तांतरित विषय पर कौन करता था गवर्नेंस प्रशासन, तो जो भारतीय सदस्य होते थे, जो भारतीय सदस्य होते थे, वो भारतीय सदस्य गवर्नर की सहमति से, वो भारतीय सदस्य गवर्नर के साथ मिलकर इन विषयों पर प्रशासन करते थे, और ये क्या होते थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी होते थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होते थे, लेकिन ये उत्तरदायी भी नहीं होते थे, उत्तरदायी नहीं होते थे।
तो हस्तांतरित विषय और उत्तर आरक्षित विषय, तो इसके द्वारा भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत के साथ जो शासन प्रणाली थी, भारत के अंदर जो उनकी शासन प्रणाली थी, इस द्वैध शासन के द्वारा इन्होंने क्या किया था, भारत की उस शासन प्रणाली में कमियां व्याप्त की थी, हमारे साथ क्या किया था, जो है छलावा किया गया था, पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ अपनाया जाता था। क्यों? क्योंकि जहां से पैसा आता था, जहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उसको तो ये क्या करते थे, अपने पास रख लेते थे, परंतु जहां से रेवेन्यू नहीं आता था, जो लोकल विषय होते थे, शिक्षा पर कोई पैसा नहीं आता था, स्वास्थ्य पर कोई इसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया जाता था, कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, तो ऐसे विषयों पर क्या किया उन्होंने, हस्तांतरित विषय पर रखे। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट जो आया आपका कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो द्वैध शासन की व्यवस्था सन 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा लाई गई। अब द्वैध शासन क्या था वो भी मैंने आपको यहां पर क्लियर कट समझाया कि द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है, मीन्स शासन करने के जो तरीके थे दोस्तों, उस तरीके को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया था। कौन कौन से दो हिस्से बने थे आप यहां पर देख लीजिए, एक तो आरक्षित हो गया और दूसरा क्या था, हस्तांतरित। आरक्षित में उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा और हस्तांतरित में उन्होंने क्या किया था, बहुत ही जो लोकल मुद्दे थे उन्हें रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला सुधार इन्होंने किया था इस अधिनियम के द्वारा, इसमें वो था प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, पहले इससे पहले इस शासन अधिनियम के पहले क्या था, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को ज्यादा महत्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को। ठीक, तो पहली बार भारत में किस शासन अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ, वो हुआ था सन 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को का उपयोग किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक के आधार पर इन्होंने क्या किया, चुनाव में सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों को भी जो है इन्होंने क्या कर दिया, अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर, सिखों को भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो जो हमारा सामाजिक ताना बाना था, उस सामाजिक ताने बाने को इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से ध्वस्त करने का पूरा व्यवस्था कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा 1909 का जो हमारा शासन अधिनियम था, उसमें उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, और पृथक निर्वाचन मंडल के कारण उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम में फूट डाली। और 1919 के शासन अधिनियम में जब उन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया, मुस्लिम मीन्स महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दिया, मत देने का अधिकार दिया, तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, सिखों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से व्यवस्था उनकी की गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत का जो सामाजिक ताना बाना था, भारत का जो सांप्रदायिक सौहार्द था, भारत का जो सांप्रदायिक, भारत की जो ताकत थी, भारत की जो मिसाल थी, उस ताकत को तोड़ने का काम इन्होंने किया था इन तमाम अधिनियमों के द्वारा। 1909 का अधिनियम आया, आपने देखा मुस्लिमों के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या किया, सिखों को भी पृथक से निर्वाचन मंडल की उन्होंने व्यवस्था कर दी, सिखों को भी चुनाव में व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके 1919 का जो शासन अधिनियम था बेटा, उसके द्वारा आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, अगला जो अधिनियम है हमारा, वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का
भारत शासन अधिनियम, अधिनियम। उन्नीस सौ पैंतीस का भारत शासन अधिनियम। अब हम लोग देखेंगे इसमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है वो शामिल किया गया था। पहला बिंदु था अखिल भारतीय संघ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। यहां पर आपने देखा 1935 का जो शासन अधिनियम आया उसके द्वारा पहली बार भारत में क्या होता है, अखिल भारतीय संघ नामक किसी जो है संस्था का, किसी ऐसी व्यवस्था को उन्होंने लागू किया, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। ठीक। दूसरा, अभी हमने पढ़ा आपने 1919 का अधिनियम, इन्होंने क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया था। 1919 के शासन अधिनियम से हमने देखा दोस्तों कि इन्होंने प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया था, यहां पर इन्होंने क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। ठीक। केंद्र में क्या किया इन्होंने, द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। केंद्र में इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन केंद्र स्तर पर लागू कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसमें वो आता है कि प्रांतों में क्या किया इन्होंने, द्वैध शासन जो आपने देखा था प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक। केंद्र में क्या किया, द्वैध शासन को लागू किया, और प्रांतों से इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन लागू समाप्त कर दिया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। ठीक है। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। देखिए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा, केंद्र में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया, प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा चल रहा था उस द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया, और प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता जो है वह प्रदान कर दी गई। उसके बाद जब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, तो अभी भारत के संविधान में हम पढ़ते हैं अनुसूचियां, मींस जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियां थी, केंद्र और राज्य के मध्य जो शासन शक्तियों का बंटवारा था वो भी क्या है, इसी अधिनियम के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट था इसका वो था शक्तियों का बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया, मींस डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। ठीक। डिवीजन ऑफ पावर किया गया। ठीक। तो उसी डिवीजन ऑफ पावर की बात जो है भारत के संविधान में आज मौजूद है, जिसके संबंध में हम पढ़ते हैं कि सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की हम सूची पढ़ते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका पहले से ही जिक्र कहां पर कर दिया गया था, 1935
35 का जो शासन अधिनियम आता है दोस्तों, उसी शासन अधिनियम में इन्होंने क्या किया था, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, डिवीजन ऑफ पावर कर दिया गया था, और उसके संबंध में जो सूचियां थी वो सूचियों का उपबंध 1935 के शासन अधिनियम में कर दिया गया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल न्यायालय की स्थापना, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, और जो वो फेडरल न्यायालय था उसी को बाद में भारत में क्या कर दिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई, भारत का सुप्रीम कोर्ट बन गया। फेडरल न्यायालय की ही अधिकारिता, आज के समय में जो अधिकारिता, जो कार्य करने का क्षेत्र था, दायरा था, वो क्षेत्र और दायरा आज का जो हमारा वर्तमान समय का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है, दे दिया गया है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है काम किए गए थे 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1935 का शासन अधिनियम आता है तो उसके द्वारा ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि शक्तियों का बंटवारा किया गया, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्रों में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई, इस अधिनियम के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। फिर इसके बाद आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, जिसके जिस पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक योजना लेकर आते हैं, जो भारत के बंटवारे की बात करता था, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी माउंटबेटन योजना उसे कहा जाता है, और उस योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस ने जब उस योजना को स्वीकार किया तो भारत और पाकिस्तान दो जो है वह पृथक राज्य बने, और वहां पर फिर जो है इसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि को भारत को पूरी तरीके से आजादी दे दी गई, ठीक। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, फिर 1947 से 1950 तक का जो हमारा कार्यकाल था, तो 1947 से 1950 तक का पूरा कार्यकाल हमारे संविधान की रचना का कार्यकाल था, कि हमारा संविधान कैसे बना, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, कौन कौन उस व्यवस्था में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की बैठक की गई, ये तमाम चीजें हैं वो हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे। तो यहां तक हमने आज तक देख लिया दोस्तों कि हमारे संविधान का क्रमिक विकास, हमारा जो आज का संविधान है दोस्तों उसका कैसे क्रमिक विकास हुआ था, मींस हमने फ्रॉम वेरी बिगनिंग सन 1600 के चार्टर से देखा, और यहां तक का अध्ययन हम लोगों ने किया है कि सन 1600 से लेकर फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये तमाम जो अधिनियम पारित किए गए उन अधिनियमों के माध्यम से हमारे संविधान का क्रमिक विकास होता चला गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इस पॉलिटी की क्लास का, वो रहेगा भारत के संविधान के जो स्रोत होंगे, भारत के संविधान के कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो जिस पर हमारे संविधान की नींव टिकी हुई है, हमारे भारत के संविधान की आधारभूत जो संरचना है वह कहां कहां से लिया गया है। एक स्टेटमेंट आता है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है एक स्टेटमेंट, भारत का संविधान उधार का पिटारा है। भारत का संविधान क्या है, उधार का पिटारा है, मींस ये तमाम जगह के देशों से, कहीं यहां से कुछ लिया गया, वहां से कुछ, यहां से, मींस तमाम रसिया, इंग्लैंड, जापान, चीन, ठीक है, अमेरिका, यहां तक रूस, यहां तक के संविधानों से जो कुछ भी हमने लिया है वो लेकर अपने देश के संविधान में हमने क्या कर दिया है, उसे समाहित कर दिया है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज तक का जो भी पार्ट हम लोगों ने यहां तक पढ़ा है वो पार्ट क्या है आप लोगों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।